हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ मैं बहुत अच्छी हूँ और कल तीज है, सो उसके लिए भी प्रिपरेशन मैंने किया है। पार्लर गई थी, आईब्रो वगैरह बना के आई, अभी रोटी बना रही थी। और आज मेरा फास्ट है, सो मैंने सोचा स्पेशल कुछ खाना बनाऊँ, क्योंकि कल मेरा फास्ट है। सो मैंने सोचा कुछ स्पेशल बनाऊँ। और यहाँ शो रहा है कि उसको नाई नहीं करनी है और उसके पापा उसको नहला रहे हैं। सो मैंने आज बनाया है मटर पनीर बनाया है। और मैंने बनाया है खीर, आज मैंने खीर बनाया पहले। आई थिंक यहाँ पे मैंने पहली बार ही बनाया जब से मैं पेरिस आई हूँ, आ रही हूँ। पता नहीं कैसा बना है क्योंकि बहुत समय बाद बनाई। और अभी सबसे मेन इम्पोर्टेंट मैं देखो, और ये मैंने दल भरी ट्राई किया है फर्स्ट टाइम, अभी तक मैंने कभी नहीं बनाया था। ये मैंने चने की दाल का मिक्सन होता है, उसको रात भर मैंने ओवरनाइट सोक किया है और उसके बाद ओवरनाइट उसको भिगा दिया था। और उसके बाद मैंने उसको छौंक मार के पकाया है, फिर उसको मैंने मिक्सर में पीस दिया है। थोड़ा ये दरबरी पीस एक ये थोड़ा ज़्यादा ही महीन हो गया, थोड़ा कम होना चाहिए, बट ठीक है, मिक्सर में ऐसे ही होता है। इसको सिलबट्टे में करेंगे ना तो फिर अच्छा होता है। तो अभी मैं बनाती हूँ, फर्स्ट टाइम है, आज तक मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। हमेशा सासू माँ बनाती थी, सो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे करना, तो फिर देखते हैं कैसे बनती है। बना लेती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये जो डिश है ये नॉर्थ की तरफ का बहुत ही ट्रेडिशनल फूड है, ये बहुत सारे फेस्टिवल्स ओकेजन में बनता है। सो मुझे आता नहीं था, मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, बट मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस जैसे मम्मी बताई थी वैसे मैंने किया और ये लकीली बहुत ही अच्छा बन गया था। और ये हस्बैंड ने रिक्वेस्ट की थी कि आप ट्राई करो बनाओ, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। बट ये और खीर इसका कॉम्बिनेशन होता है, वो बहुत अच्छा लगता है खाने में। सो मैंने ट्राई किया, मैं हिचकिचा रही थी बनाने में, सो मैंने बोला नहीं चलो आज बनाती हूँ। और मैंने ट्राई किया और बहुत ही अच्छा बना था, मेरे उम्मीद से ज़्यादा अच्छा बन गया था। क्योंकि जब ये पराठा फूक रहा था ये दलभरी, सो बहुत ही उसके लिए ट्रिक रहते हैं कि वो प्रॉपर होता नहीं है, बट मैंने ट्राई किया, मेरा हो गया। जिसके यहाँ पर आने के बाद मेरे सारे पराठे एक्चुअल में फूकने लगे हैं, आलू का पराठा, मेथी का पराठा, पनीर का पराठा, सारे पराठे। इनफैक्ट ये दलभरी भी मस्त बनी, सो मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने कभी ट्राई किया है ये वाला डिश, अगर ट्राई किया है तो मुझे बताइएगा आप लोगों का कैसा बना था। मेरा तो फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छा बन गया था, मेरा दिल खुश हो गया था। ऐसे मैंने बनाया है और ये मैंने स्टिकर के मदद से बनाया है, स्टिकर्स थे सो इसके हेल्प से मैंने ये बनाया है। काफ़ी अच्छा हो गया है, अच्छा लग रहा है, अदरवाइज़ मुझे ड्राइंग तो आती नहीं है। लंच फिनी करना भैया, ठीक है, बाय भैया, बाय। अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए और आज को स्कूल भेज दिया है, हस्बैंड ने छुट्टी ली आज, तो मेरा फास्ट है तो उसको पिकअप करना और ये सब मुझे पॉसिबल नहीं है क्योंकि चढ़ाई में है उसका स्कूल। सो मैं भी थोड़ा एक डेढ़ घंटा सोना चाहती हूँ, सो के फिर रुकूँगी। और मेरे गई में भी राइट हैंड में भी हस्बैंड को बोलूँगी तो वो लगा देंगे। अभी थोड़ी देर सो जाती हूँ वरना मेरा सर जल्दी हेडेक होता है, मुझे सर पकड़ लेता है। सो थोड़ा सो के फिर आप लोगों से मिलती हूँ, बाय बाय। और तीज का ब्लॉग मैं इसके बाद शेयर करूँगी, क्योंकि एक ही ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता, सो मैंने सोचा कि वो अलग से शेयर करूँ। और होप आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय गाइस।